प्रोग्राम की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं लाखों लाख दर्शकों को जो 142 कंट्रीज में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। सावन का महीना, बारिश शुरू हो चुकी है और इनायतें बरस रही है। आप लोग जो पधारे हैं, आपकी जो बारिश हुई है इतनी बड़ी संख्या में, ये बनी ठनी सावन के महीने में, अरे तालियां अपने लिए बजाओ जोरदार तरीके से। जुलाई 1993 पहला एपिसोड प्रसारित हुआ था, तब से लेकर के ये विश्व रिकॉर्ड है कि अनइंटरप्टेड उसी फॉर्मेट में उसी अंदाज में 23 वर्ष पूरे हो रहे हैं एक कार्यक्रम चल रहा है, जो चल नहीं सकता अगर दर्शकों का और आप लोगों का प्रेम स्नेह आत्मीयता और मोहब्बत नहीं होती। इसके लिए यही जीवन है। जब हम सावन की बात करते हैं तो क्या सावन की कोई बात करें जब लोग उदास हैं, उदासियां छाई हुई हैं अधिकांश लोगों के जहन में। एक प्रश्न पैदा होता है, वेयर इज लाइफ, वी हैव लॉस्ट इन लिविंग। वेयर इज लिविंग, we have lost in wisdom. Where is wisdom? We have lost in knowledge. Where is knowledge? We have lost in information, because there is an explosion of information. Aur samasya kya hoti hai? Kabhi to aata hai ghee khoob khaiye aur fir kabhi aayega bilkul mat khaiye. To aadmi confused, main kya karun? To mera ek nivedan, bhagwan ne aapko equip kiya hum sabko, उन्होंने दिया है कॉमन सेंस, बट लेट मी से विद माय स्टडीड एक्सपीरियंस दैट वी रिफ्यूज टू यूज कॉमन सेंस, एंड देयरफॉर सम पीपल से दैट कॉमन सेंस इज अनकॉमन दीस डेज। आप विवेक का उपयोग कीजिए, आपको लगेगा इस बात में दम है, ये बात सही है, ये सही है। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित जानिए आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगते रहेंगे। चार चांद, इसको जितनी आप में हिम्मत है, समर्पण है, चार को मल्टीप्लाई करते रहिए और आप स्वयं चंदा बन जाइए। तालियां बजाइए इस संकल्प के लिए। देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि महिलाएं बातूनी ज्यादा होती है। तदनुसार एक सर्वे किया गया लंदन में इस बात को लेकर कि एक वर्ष में लगभग कितना समय महिलाएं खर्च करती है टेलीफोन पर बात करने में। आपको यह बताना है उसका निचोड़ क्या है, अंदाजा लगाइए, और जो बिल्कुल वेरी नियर टू द करेक्ट आंसर होगा जो सर्वे के अनुसार है उन्हें पुरस्कार देंगे। और पुरुषों को कम लगा, थोड़ा कम, वो कितना था, और सालों में है ये, इतना मैं कह सकता हूं। अपने पूरे जीवन काल में कितना समय महिलाएं खर्च करती है टेलीफोन पर बात करने में, अंदाजा लगाइए। यस मैम, आपने हाथ खड़ा किया है, बोलें आप। एक साल। हाँ साहब, आप बोलें। चार साल 75 दिन। मैम आप क्या पढ़ती हैं कि पढ़ाती हैं? मैंने तो कहा था मोटे रूप से बता देंगे, आपने तो 4 साल और 75 दिन, ऐसा लगता कोई सर्वे करने वालों में आप तो शामिल नहीं थी। नहीं, क्योंकि करेक्ट उत्तर इससे ज्यादा हो नहीं सकता। शुभ नाम? शेफाली जी के लिए क्या बात है। शेफाली जी, हैट्स ऑफ, क्या बात है। तालियां जोरों से बजाइए। और एक पुरस्कार उन्हें देंगे। अब आपको बताना है अपने जीवन काल में कितने वर्ष पुरुष खर्च करते हैं, अंदाजा लगाइए। इससे थोड़ा कम है, अंदाजा लगाइए। खड़े होइए, हाथ खड़े, खड़ी होइए जी, बोले आप। एक साल मैंने थोड़ा कम कहा, ध्यान धरने की बात। एक मिनट जी, बोले आप। दो साल जी, बोले आप। तीन साल वेरी नियर टू, मैं करेक्ट आंसर दूंगा जी, बोले आप। तीन साल अब तीन तो हो गया, उन्होंने अगर सही होगा तो उन्हें मिलेगा। सर 3 साल 4 महीने। सर
तीन साल चार महीने इट इज वेरी नियर टू द करेक्ट आंसर. शुभ नाम नीलम. नीलम जी क्या बात है, क्या बात है. आलिया बजाइए नीलम जी के लिए जोरदार तरीके से. आप अब देखिए कई बार क्या होता है, चीजों को कई बार सरल भी रखते हैं. सिर्फ आपको ध्यान धरना है. एक में दो पंक्तियां, एक गाढ़ है. गाढ़ गाते हैं सगों के यहां पर जाते हैं तो गाढ़ गाते हैं, शादियों में गाते हैं. गाली परंपरा जो होती है समधियों के लिए. और इसमें यह गाली वो है जिसमें ईर्ष्या भाव पैदा नहीं होता, इसमें प्रेम बढ़ता है. क्योंकि जो सगे हैं तभी उन्हीं के लिए ये गाढ़ गाई जाती है. तो इसमें आप इसको सिर्फ ये बताना है, दो तीन पंक्तियां सुननी है और आपको ये बताना है इसका शीर्षक क्या है इस गाढ़ का. ठीक है, तालियां जोरों से बजाइए एक बार आप. काजल भरियो कूपलो, काजल भरियो कूपलो, ओ पड़ियो पिलंगरे हेट कोरो. काजलियो ओ पड़ियो पिलंगरे हेट कोरो, काजलियो नैना में मत सार कोरो. काजलियो मैं थन सगोसा यूं कयो, मैं थन सगोसा यूं कयो, थे उनाले मतियाव कोरो. काजलियो उनालेरी रुत बुरी, उनालेरी रुत बुरी, कोई टप के पसीनो रंग जाए कोरो. काजलियो थे उठो सो सो बार कोरो, काजलियो नैना में काजल सार कोरो. काजलियो अब आपको बताना है इसका शीर्षक क्या है और जीतना है पुरस्कार. इससे सरल तो कोई हो नहीं सकता. थोड़ा पीछे पीछे, हाँ साहब पीछे पीछे, हाँ एक मिनट मैम, थोड़ा सा इधर 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 इधर, हाँ 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 इधर 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 इधर, हाँ बोले आप. काजल. काजल जी थोड़ा सा, अरे मैं वो बोल रहा हूँ वो शब्द उसको परिवर्तित मत करिए, वो चीज तो वही है पर मैंने एक शब्द बोला इसमें काजल के लिए. क्या बोला है? कोरो प्योर काजल. नहीं प्योर की जरूरत इतना क्यों, मैंने शब्द क्या बोला? कोरो काजलियो. कोरो काजलियो तो शीर्षक क्या हो गया? काजलियो. काजलियो आपका शुभ नाम. अलसानिया जी. अलसानिया. अलसानिया के लिए तालियां जोरों से बजाइए जोरदार तरीके से. क्या बात है अलसानिया, जोरदार तालियां. वो काजल कर तो मैं तो शीर्षक पूछा था, शीर्षक क्या है? काजलियो. ठीक है साहब, तालियां बजाइए जोरदार तरीके से. देखिए राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के सौजन्य से ये पुरस्कार आपको दिए जा रहे हैं. तालियां बजाइए आभार प्रदर्शन के लिए जोरदार तरीके से. आप देखिए साहब, अब आपको एक नृत्य दिखा रहे हैं. पहले आप देखे नृत्य. सवाल सुन लें आप. एक सवाल, काल बेलिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक. दूसरा, वो कौन नृत्यांगना है जिन्हें इस वर्ष
नागरिक अलंकरण पद्मश्री से अलंकृत किया गया है, दो और तीसरा एक पुरस्कार और दे दूंगा, ये दूसरा सवाल का उत्तर आने के बाद मैं पूछूंगा, नहीं तो कुछ उत्तर आउट हो जाएगा। मैम खड़ी हो, ये आप बोलना चाह रही हैं? दूसरे का पहले बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलिए। हाँ, गुलाबो, गुलाबो को मिलाए पद्मश्री। यस। आपका शुभ नाम? निधि पाटनी। निधि जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए, निधि जी के लिए। ठहरिए, इधर से जी, थोड़ा इधर होइए आप, थोड़ा इधर आ जाइए, इधर चल के आ जाइए। यस जी, काल बेलिया का शाब्दिक अर्थ बताएं। शाब्दिक मतलब सांपों को पालने वाले, उनकी बेली, यानी बेली यानी सांपों के बेली, यानी काल, काल का मतलब सांप और बेली का मतलब मित्र, यानी सांपों का मित्र, यानी काल बेलिया। आपका शुभ नाम? प्रकाश राठौड़ के लिए तालियां जोरों से। और प्रकाश राठौड़ जी, ये जो ग्रीन, ये क्या नाम है आपका जी? दुर्गा शेखावत, इधर आइए आप। दुर्गा जी को पुरस्कार इस बात के लिए कि इन्होंने बड़ा गरिमामय नृत्य किया। एक छोटी सी बच्ची, अरे छोटी बच्ची वो उधर ही देख रही है, अरे इधर आओ तुम, क्या नाम है तुम्हारा? गुड़िया। अरे गुड़िया ने इतना गुड़िया की तरह नृत्य किया था, क्या बात है। इधर आइए गुड़िया, गुड़िया के लिए ये गुड़िया तालियां जोरों से। और एक लड़की इधर इधर जबरदस्त नाची थी। क्या नाम है आपका? सर निकिता राय सिंघानी फ्रॉम टैगोर पीजी गर्ल्स कॉलेज। वाह, तालियां जोरों से बजाइए निकिता के लिए, जोरदार तरीके से, जोरदार ताली, जोरदार बजनी चाहिए तालियां एक बार और। और एक सवाल मैंने कहा था, अब आपको बताना है गुलाबो का, गुलाबो नाम कैसे हो गया? तो जब वो आई और पदार्पण किया तो गुलाबो के स्थान पर उनका नाम क्या था? और इससे मिलता जुलता ही है। हाँ जी बोलो आप। गुलाब, गुलाब जी। आप रोसो, हाँ हाँ। शुभ नाम? सुषमा तंवर। सुषमा जी, ऐसे आप मत है। खून बड़ी, तालियां बजाओ। अच्छा आप जरा बोलियो, जरा को थोड़ी ईर्ष्या भाव हो कोनी, तालियां बजाओ सब। बिल्कुल सही, पहले नाम था उनका गुलाब, गुलाब से हो गया गुलाबी। और जब वो विदेश गई और वापस आई और जबरदस्त अंदाज से इम्पोजिंग डांस, तो एक इंग्लिश अखबार ने उनको कहा गुलाबो। गुलाबो जी स्वयं कहती है, यानी गुलाब स्वयं कहती है कि मैंने पूछा कि मेरा नाम गुलाबो कैसे किया, तो उन्होंने कहा कि आप जैसा नर्तन करती है, नृत्य करती हैं, तो फोर्स, वो जब गुलाबो लिखते हैं तब वो बात पैदा होती है। तालियां बजाओ उनके लिए, उनके सम्मान में जोरदार तरीके से आप। देखिए कई कहावतें होती है, और एक है जब सावन की बात करते हैं, सभी ने सुना होगा, सावन के अंधे को हरा हरा ही, हर चीज हरी ही नजर आती है। इससे क्या अर्थ है? अर्थ बताइए और जीतिए पुरस्कार। यस मैम, आपको मिला पुरस्कार पहले? Yes. नहीं मिला है वो, क्या किसी और का है ना, तो भ्रम हो गया जी। हाँ साहब। सर अपनी बात, किसी भी तर्क संगत बात को नहीं मानना, अपनी बात को ऊपर रखना।
अपनी बात पर अड़े रहना, किसी की भी तर्क संगत बात हो तो नहीं मानना, जिद करना। शुभ नाम। पूनम भारद्वाज। पूनम भारद्वाज टैगोर, वाह क्या बात है, तालियां जोरों से बजाइए। अब मैं दूंगा 1, 2, 3, 4, 5 अनलिमिटेड प्राइजेस। गौर से सुने और सटीक उत्तर देना, इधर उधर की बात नहीं, रिपीट नहीं करना है। एक नूर आदमी हजार नूर कपड़ों, एक नूर आदमी हजार नूर कपड़ों, लाख नूर गहनो गांठो, लाख नूर गहनो गांठो, करोड़ नूर नखरो, करोड़ नूर नखरो। इसका तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, बताइए और जीतिए पुरस्कार। आता हूं साहब, आता हूं। पहले एक बच्ची ने हाथ खड़ा किया है, देखते हैं वो क्या कहती है। जी जी बोले आप, थोड़ा इधर आ जाए। कोई इंसान की जो पर्सनालिटी है वो उसके जो गेटअप होते हैं उससे लाख गुना बढ़ जाती है, लेकिन जब उसका बिहेवियर उसके नखरे देखते हैं तो उसकी पर्सनालिटी करोड़ों गुना बढ़ जाती है, यानी बढ़ जाती है, यानी उसका नूर बढ़ जाता है, उसका नूर बढ़। चलो क्या शुभ नाम क्या है? रीनू शर्मा। तालियां जोरों से बजाइए रीनू के लिए। चलिए साहब, और कोई एक आध पुरस्कार और दे दूंगा आपको, तो मिला है पुरस्कार मैम आपको, मैंने पूछा है, आप खड़ी होइए। हाँ सर, जब एक आदमी कपड़े पहनता है तो उसकी वैल्यू हजार हो जाती है, जब वो गहने डालता है तो उसकी वैल्यू लाखों में हो जाती है, और जो उसका नखरा एटीट्यूड होता है उसकी वैल्यू उसकी करोड़ों में हो जाती है। एटीट्यूड, स्टाइल, पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी नूर, नूर यानी तेज, यानी जो उसका ग्लो और फिर जो कॉन्फिडेंस। तो अच्छा वैसे शुभ नाम क्या है? प्रियंका लखारा। प्रियंका लखारा, प्रियंका जी मोटे रूप से वही बात आ गई। द होल आइडिया इज ये इस प्रकार की एक्सरसाइज के लिए कि बात को समझाइए पूरे तरीके से। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए, तालियां तो जोरदार बजाइए साहब। देखिए जब बारिश के गानों की बात करते हैं, बॉलीवुड की बात करते हैं, राज कपूर साहब की बात करते हैं, ऐसा निदेशक, ऐसा अभिनेता, ऐसा निर्माता, संगीत का ज्ञानी बिरले ही होते हैं। देखिए क्या क्रिएट किया उन्होंने ये बरसात का गाना, और झूमिए आप। शैलेंद्र के लिखे और शंकर जयकिशन के संगीतबद्ध किए ये गीत आपने सुना। आपको ये बताना है कि स्वर किसने दिया, यानी गाया किसने, मेल एंड फीमेल दोनों सही बताने पर मिलेगा पुरस्कार, और साथ में बताना है फिल्म का नाम। यस मैम लता और मन्ना डे। आपका शुभ नाम बताओ मैम। गिरिजा शर्मा। पहले इसी बात पर पुरस्कार, क्या बात है मैम, अरे वाह क्या बात है मैम, पुरस्कार ले ली तो आप, अरे वाह वाह वाह, तालियां बजाई साहब। इनके जमाने का है, पर आपने जो बात कही उसमें जमाना क्या करेगा। मैडम अग्रवाल मुझे नाम भी याद है। हाँ साहब, अब आपको बताना है फिल्म का नाम। आपको पूछा मैंने, खड़ी होइए आप। श्री 420। शुभ नाम निकिता। तालियां निकिता के लिए जोरदार। अच्छा तालियां बजाओ जोरों से बच्ची के लिए।
देखिए अब आपको थोड़ा सा ध्यान धरना और याददाश्त पर डालना है जोर। ये कई बार थोड़ी हल्की फुल्की चीज को भी हम लेते हैं। देखिए कई लोग होते हैं कुछ पैरोडी भी बनाते हैं। तो एक आपने देखा होगा कि शादी के जो कार्ड्स होते हैं उसमें एक चीज लिखी रहती है, तो मैं उसकी पहली पंक्ति पढ़ रहा हूं और उसकी दूसरी पंक्ति आपको बताना होगा। मैं पैरोडी क्या है वो पैरोडी पढ़ूंगा। तो पहली पंक्ति है, भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को। एक मिनट, भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, घर से खाना खाकर आना ब्याह में काम कराने को। पैरोडी है, तेरी लड़की की शादी में मैंने 5 लिखाए थे, कम से कम दुगने तो लाना कन्या दान कराने को, कम से कम दुगने तो लाना कन्या दान कराने को। तो इसमें पहला क्या है, भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को। आपको ये बताना है कि इसमें मूल जो है उसमें दूसरी पंक्ति क्या है, भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को। दूसरी पंक्ति, ठहरिए ठहरिए, हाँ साहब चलिए खड़ी होइए, आपको भी पूछूंगा जी। हे मानस के राजवंश तुम भूल न जाना आने को। मानस के राज राजहंस राजहंस, मैंने कहा वंश, बस ये चूकने वाली थी आपने लेकिन रोक लिया। हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को, तुम भूल न जाना आने को। ठीक है, शुभ नाम संगीता विजयवर्गी। संगीता विजयवर्गी के लिए तालियां, बस आ गया मैम उत्तर, आ गया तालियां बजाइए अगली बार, ध्यान तालियां क्यों नहीं बजा रहे हो आप। यानी ये हो गया, भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, ओ मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। तालियां बजाइए इनके लिए आप। अब देखिए आपको दिखा रहे हैं घूमर नृत्य, सवाल मूल रूप से ये नृत्य कहां से आरंभ हुआ आपको बताना है, उन जगहों के नाम, दो जगह हैं मूल रूप से। ठहरिए, पहला तो है मेरा सवाल ये, मूल रूप से कहां उन स्थानों का जहां पारंपरिक रूप से योगदान रहा है इनके उद्भव और विकास में, और दूसरा कौन सी जाति को श्रेय जाता है इसे परिमार्जित करने में और इस शालीन रूप में लाने में। ये दो सवाल बताइए आप। ठहरिए, खड़ी हो आप। राजपूत का है गाना? नहीं, राजपूत का नहीं जी। खड़ी हो आप जी, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। जोधपुर से? जोधपुर से नहीं जी। बोले आप? राठौड़? नहीं, राठौड़ नहीं। अब देखिए, चलिए मैं बता देता हूं, राजस्थान और सिंध प्रांत जो अब पाकिस्तान में है मूल रूप से उद्भव। अब आपको बताना है कौन सी जाति जिसका बड़ा योगदान रहा, आपको यह बताना है। खड़ी होइए आप। भील जनजाति। आपका शुभ नाम? सरिता चौधरी। सरिता के लिए तालियां जोरों से बजाइए। सही, भीलों ने इसे यह गरिमा प्रदान की, इसे परिमार्जित किया। जनजाति, तालियां बजाइए जोरदार।
अब हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखें और आपको बताना ये कौन है। और जीतना है पुरस्कार, तस्वीर देखिए स्क्रीन पर। यस बोलिए। टेरेसा, टेरेसा आपका शुभ नाम बताओ जी। रश्मि पारिक जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए। देखिए बड़ा ही अच्छा सवाल, आपने देखा होगा जब यज्ञ होते हैं, हवन होता है तो आहुति दी जाती है तो कहते हैं ओम स्वाहा स्वाहा। ये स्वाहा क्यों कहते हैं, इसका क्या तात्पर्य है, बताइए और जीतिए पुरस्कार। जी 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 हाँ जी 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 हाँ जी 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 आपको पूछा नहीं। हाँ बोलिए आप। अग्नि की पत्नी जी। हाँ हाँ बोले। अग्नि की पत्नी। अग्नि की पत्नी, आपका शुभ नाम। सोनाली सेन जी। सोनाली सेन, तालियां जोरों से बजाइए सोनाली के लिए। आप मुझे और बता सकते हैं इसके अतिरिक्त एक शब्द और प्रयोग में आता है, या यह कारण पहले बता दीजिए, बड़ा सरल कर देता हूं कि उनकी पत्नी है, अग्नि को देवता माना है, वैसे तो तत्व है लेकिन साकार रूप माना हमारी माइथोलॉजी में। आपको ये बताना है अगर उनकी पत्नी है तो उनकी पत्नी नाम से क्यों, क्योंकि आहुति तो दे रहे हैं अग्नि में, तो उनके नाम को क्यों। बड़ी छोटी सी एक सीधी सी बात है मैम, थोड़ा सा कोई और कोई कारण। यस मैम बोले आप। हाँ पत्नी खुश होगी जब पति खुश होगा। पत्नी खुश होगी तो पत्नी खुश होगा, ये प्रकारांतर से इसको सही मानते हुए मूल रूप से प्रश्न का उत्तर आएगा। आपका शुभ नाम बताओ। नेहा। नेहा जी पहले पुरस्कार मिला आपको। हाँ, तो चलिए कोई बात नहीं, एक और दे देता हूँ नेहा जी के लिए, तालियां जोरों से बजाइए आप। यानी पति को खुश करने के लिए, यानी मूल बात यह है के पत्नी का नाम उच्चारित किया जाता है इस मान्यता के साथ के पत्नी को नाम लेकर के जब दी जाएगी आहुति तो अग्नि देव के पास में कोई चारा नहीं होगा उसे स्वीकारने के अतिरिक्त, जो कि हमारा मूल मंतव्य है। धन्य है आप, तालियां बजाइए जोरों से आपके लिए। एक लोकगीत अलगोजा तैयार है और इस पर पूछूंगा सवाल, और इस पर जो नृत्य करेंगे चाहे अपनी जगह करें या यहां करें अच्छा होगा, उसे दूंगा 5 पुरस्कार नर्तन के। ठीक है। ओ मारा छेल बवर का, ओ मारा छेल बवर का अलगो जा खेता में बाजे, छेल बवर का खेता में बाजे मेरा में बाजे, ओ मारा छेल बवर का, ओ मारा छेल बवर का अलगो जा खेता बाजे। जयपुर के बाजार में तो चार लुगाया जाए, जयपुर के बाजार में तो चार लुगाया जाए, दो गोरी दो सावली कोई दो दो फलका, खैर मारा छेल भवर का, ओ मारा छेल भवर का अलगो जा खेता में बाजे, ओ मारा छेल भवर का अलगो जा खेता में बाजे, खेता में बाजे मेरा में बाजे, ओ मारा छेल भवर का, ओ मारा छेल भवर का अलगो जा खेता में बाजे। तालियां बजाई जोरों से इन सभी के लिए। और अब मैं 2 पुरस्कार दे रहा हूँ, पहले तो बताइए, ठहरिए ठहरिए आप ठहरिए, इनमें से पॉपुलर चॉइस बताइए 2 पुरस्कार किनको दूँ। इन दोनों को, ये ठीक है। चलिए साहब शुभ नाम। ठहरिए साहब ठहरिए। मेघमाला। मेघमाला हाँ साहब। अच्छा ये वाली है जी, सुषमा तंवर। सुषमा तंवर, सुषमा जी तालियां जोरों से बजाइए।
और इधर से किसी ने किया था कोई जोरदार, जिसको आप समझते हो कोई दमदार, कोई ध्यान है किसी को, कोई कौन कौन सी हाथ खड़ी हुई है, खड़ी, शुभ नाम जी, पुष्पा सैनी, पुष्पा के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से तालियां जोरों से बजनी चाहिए। एक लोकगीत सुने, जब हम जश्न की बात करते हैं, यानी हर दिन जश्न होता है, कई बार सोचते हैं कि प्रश्नोत्तरी के हर कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभागी होते हैं, आप पधारते हैं, विभिन्न संस्थानों के बच्चे आते हैं या बुजुर्ग लोग भी आते हैं, विभिन्न विषयों पर हम कार्यक्रम करते हैं, कोई भी विषय ऐसा नहीं है पिछले 23 वर्षों में हमने जिस पर प्रश्नोत्तरी नहीं की हो। आज मैं दूरदर्शन जयपुर की ओर से आप सभी का आह्वान करना चाहूँगा। कई संस्थाएं हमें पूछती है, कई लोग हमें ये पूछते हैं कि हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में कैसे भाग ले सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एकाकी व्यक्ति है, चाहे वो संस्था है, और किसी भी विषय पर अगर वो चाहते हैं प्रश्नोत्तरी हो, आप दूरदर्शन केंद्र जयपुर से संपर्क कीजिए। आवश्यक रूप से तत्काल वेरी नियर फ्यूचर में जब आप कहेंगे, आपके लिए विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपको एक बात और बता दूं कि दुनिया भर में वैसे तो भीड़ है चैनलों की, लेकिन दूरदर्शन की एक विशेषता, कुछ लोग ये कहते हैं कि दूरदर्शन के कार्यक्रम इतने रोचक नहीं होते। आप दूरदर्शन को देखिए, दूरदर्शन का सामाजिक सरोकार है, दूरदर्शन की एक जिम्मेदारी है, समाज के हर वर्ग के लिए उन्हें कार्यक्रम बनाने हैं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, सरकार की योजनाएं क्या है उनको बतलाने के लिए, समस्याएं क्या है समाज के विभिन्न वर्गों की उसे भी बताने के लिए, यानी यहां पर इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। ये खालिस एंटरटेनमेंट नहीं है, कई और माध्यम हो सकते हैं। तो आप दूरदर्शन से जुड़िए, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम से आप जुड़िए, और हमारा एक ही मंतव्य है, एक ही सरोकार, आपको जिज्ञासु बनाना, आपको इंक्विजिटिव बनाना। और जो व्यक्ति, जो कि जिज्ञासा प्रभु ने आप में कूट कूट कर भरी है, लेकिन
हम विस्मृत कर जाते हैं। एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब घर पधारें और जहां भी दूरदर्शन के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की बात करें तो एक बात कहें, गायन का अर्थ क्या, नर्तन का अर्थ क्या। अरे डिग्रीज तो मिल जाएंगी, मार्क्स बढ़िया आ जाएंगे, आप इंटरव्यू की कुर्सी पर उसके आधार पर पहुंच जाएंगे, लेकिन सेलेक्ट कौन करेगा? और किसी ने सेलेक्ट कर भी लिया मान लीजिए तो प्रश्न पैदा होता है पैकेज कितना मिलेगा। वो किस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने कैपेबल हैं अन्य मामलों में, यानी आपकी सॉफ्ट स्किल्स कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने पार्टिसिपेट किया है या नहीं। यदि आप चाहते हैं अपने लिए नहीं, भावी संतानों के लिए, बच्चों के लिए, या जहां पर भी आप जाएं, भारत और भारतीय संस्कृति का, परंपराओं का, रीति रिवाजों का अगर आपको परचम लहराना है तो जुड़िए दूरदर्शन से, जुड़िए प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम से, और इसी प्रकार के उत्साह का प्रदर्शन करते रहिए जो पिछले 23 वर्षों में आपने किया है। अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन लाखों लाख लोगों का जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, आप यहां पर मौजूद हैं और जश्न के मौके पर विशेष रूप से आप मौजूद हैं। तालियां जोरों से बजाइए उन सभी के बिहाफ पर। आप तो आइए, अब इतनी बड़ी संख्या में पधार कर, बन ठन करके आप पधारे, और आपकी इल्तिजा थी कि हम नर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे, बड़ी मुश्किल थी, अंत तो गतवा ये निर्णय हुआ, जो नाचे उसे नाचने दो, नाचने से कोई किसी को आज तक रोक नहीं सका, और इसमें तो समस्या ही नहीं, क्योंकि कितने के लोग हैं जो नर्तन करते हैं, धन्य हैं वो, भाग्यशाली हैं वो जो नृत्य करते हैं। तो आइए नृत्य प्रस्तुति, तालियां बजाइए जोरों से आप।